इस वीडियो में देखेंगे ब्रेक डाउन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कैसे आपको हाई रिवॉर्ड ट्रेड लेनी है दोस्तों hey दोस्तों हे मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे इस वीडियो में हम देखेंगे यूरो यूएसडी में ब्रेक डाउन पूरी ट्रेड का हाई टाइम फ्रेम टू स्मॉल टाइम फ्रेम टू एंट्री टाइम फ्रेम कैसे आपको हाई रिवॉर्ड ट्रेड लेनी है आपको एनालिसिस चेक करने पहले हाई टाइम फ्रेम क्या कह रहा है आपको हाई टाइम फ्रेम डेली एच क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना स्मॉलर टाइम फ्रेम उसी के अकॉर्डिंग एंट्री टाइम फ्रेम आपको फिर कॉच मार्क करके एंट्री कैसे लेनी है चलेंगे स्क्रीन पे देखेंगे सारी चीजें वहां पे ए टू जेड डिटेल में बट अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है या आपको और डिटेल में सीखना है तो आप हमारी प्ले चेक कर सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की उसमें मैंने सब कुछ ए टू जेड डिटेल में कवर करा है जो हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा सेटअप के रूल्स जो भी हमारे ब्रेकडाउन होगा इसमें वो सब मैंने उन वीडियोज़ में कवर करा हुआ है यहाँ पे तो हम देखेंगे पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग इस वीडियो में जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर सप्लाई जोन डिमांड जोन कॉच फ्लिप बी और एंट्री आपको कैसे लेनी है बट अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप हमारी प्ले एक्सप्लोर कर सकते हो उसमें आपको ये सब डिटेल में सीखने को मिलने वाला है और इसी के साथ साथ अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाकर चेकआउट करो वहां पे काफी सारे पोस्ट और रील इस तरह के मैं डालता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे जहां पे आप जाके अच्छे से डिटेल में सीख सकते हो कॉच कैसे मार्क करते हैं फ्लिप कैसे ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे गोल्ड में एंट्री कैसे लेनी है इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा वहां से जाके आप उसमें चेकआउट करो आपको उसमें डिटेल में सीखने को मिलेगा चलते सिले स्क्रीन पर देखेंगे सारी डिटेल्स ब्रेक डाउन पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग हाई टाइम फ्रेम टू स्मॉल टाइम फ्रेम टू एंटर टाइम फ्रेम और ये चीज़ें हम जो भी देखेंगे सारे पेयर्स में वैलिड है सारे क्रिप्टो क्रिप्टोकरेंसीज में भी वैलिड है हाई फ्रेम में भी स्मॉलर टाइम्स में भी आप चाहे से कहीं भी अप्लाई करो देखते हैं स्क्रीन पे बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन प्रेस कर दो एंड लाइक कर दो सो तो डेट हमारे वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अलावा अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो चाहे आप सपोर्ट uh, रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर्स या फिर आर एस आई या बैटर्स जैसे वेज ट्राइंगल प्लीज़ मत करो इन पर कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा दिस इज जस्ट टू क्रिएट इक्वरिटी कैसे आपको इन जीओ पर ट्रेड करके लॉसेज दें अभी हम चार्ट पे चल के देखेंगे कि आप इसमें से कुछ भी यूज कर लो आपको उसमें लॉसेज होना तय है चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं सारी डिटेल्स अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी का एच फोर का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे हम अगर रेट से डेली का चार्ट खोलते हैं हमेशा जब भी आप कोई भी एंट्री देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम डेली या फिर एच फोर से स्टार्ट करो हाई टाइम फ्रेम इज द किंग हाई टाइम फ्रेम पे हमें डायरेक्शन की बायस पता लगती है एक्चुअल में हमारी डायरेक्शन क्या है जैसे इसमें हमें पता लग रही है हमारी बियरिश मोमेंटम हमारा खत्म हो चुका है हमारा बीर... बुलिश मोमेंटम अब चल रहा है अक्टूबर मंथ से और ये बुलिश हमारा कहाँ से आया वो हमें पता लगा जब यहाँ पे हमारा कॉच हुआ इस कॉच के होने के बाद में हमें पता लगा कि हमारा बुलिश खत्म हो गया कॉच या चौक सी एच सी एच चीजें सेम होती है लेटिंग मार्केट है अगर मैं यहाँ पे से मार्क करता हूँ यहाँ पे मैं से मार्क करता हूँ कॉच पहले मैं अपने टूल बार को ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे हमारा काच आएगा ये चीज कॉच अपसाइड का टाइम फ्रेम हमारा बुलिश आ रहा है हमने देख लिया अब इस बुलिश टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ने एक और ब्रेक डाउन दिया है जस्ट टू सी यहाँ पे हमारा एक बना क्या बी ओएस अपसाइड बना यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड ये बी ओ एस के बाद में प्राइस को दोबारा कॉन्टिन्यूशन देना चाहिए था ऊपर की तरफ

सो so, ये हम डेली में भी देख रहे हैं अगर हम इसे H4 में भी देखते हैं तो हमारा सेम स्ट्रक्चर आएगा अगर हम इसे H4 में देखते हैं तो H4 का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं सेम है ये हमारा बी है बी के बाद हमने यहाँ पर माफ करा काच काच हमारा आया इस वाले लोवस्ट पॉइंट को जब प्राइस ने ब्रेक करती है यहाँ पर हमारा आया काच ये काच के लिए हमारा सप्लाई जोन कौन सा था हमारे डेली का सप्लाई जोन ले लो या फिर एच का एच फोर का अगर हम सप्लाई जोन लेते हैं तो दिस विल बी अवर सप्लाई जोन या फिर अगर हम इसे रिफाइन करते हैं तो दिस विल बी अवर फाइनल एच फोर का रिफाइन जोन तो हमारा मिल गया स्ट्रक्चर मैपिंग हाई टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया एच फोर पे हमारा बुलिश ट्रेंड जा रहा था हमारा अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ एच फोर पे सपोज मैं यहां से ड्रॉ करता हूँ ये हमारा बना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हाइयर हाई अब इस हायर हाई high के बनने के बाद हम प्राइस को यहाँ पे हायर लो बना के एक और हायर हाई high देना चाहिए था इसको ऊपर ब्रेक करके बट नहीं दिया प्राइस ने इस वाले लो पॉइंट को ब्रेक करा और जैसे इस वाले लो पॉइंट को ब्रेक करा हमें मिल गया यहाँ पे कॉच अब काच मिला हमें काच हमें कहाँ से मिला ये मिला हमें इस वाले सप्लाई जोन से अब जैसे इस वाले सप्लाई जोन पे आएगा हम अपनी एंट्री देखेंगे हम जाएंगे अब स्मालर टाइम फ्रेम पे अब हम जाएंगे 15 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे हम देखेंगे हमारी एंट्री जोन पे अगर हमें दोबारा ये चीज़ मिल रही है जो चीज़ हमने देखी काचाली एच फोर पे सिमिलर सेम चीज़ हमें देखनी है एच फोर पर फिर सेम चीज़ हमें देखनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम के बाद एंट्री टाइम फ्रेम एम फाइव पे सेम पैटर्न देखना है हमें डायरेक्शन मार्केट की सेम अलाइन कर है अगर सेम अलाइन होती तभी हमें एंट्री लेनी अदरवाइज़ हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है ज़बरदस्ती सो so, अगर आप यहाँ पे देखोगे एम फिफ्टीन पर भी हमारा बोलिश मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमारा हमारा बना हायर लो ये बना हमारा हायर हाई high, ये बना हमारा हायर लो ये बना हमारा हायर हाई high. तो लास्ट वाला हायर हाई हमारा ये वाला बना था और ये हायर हाई आया था हमारा इस वाले हायर लो से वंस प्राइस ब्रेक दिस हायर लो एक बार प्राइस हमारा इस वाले हायर लो को ब्रेक कर देगा जैसे प्राइस हमारा इस वाला हायर लो को ब्रेक करेगा हम वहाँ पे मार्क करेंगे कॉच डाउन साइड वाई बिकॉज यहाँ पे इस वाले डिमांड जोन से या इस वाले लोवेस्ट पॉइंट से प्राइस हमारा ऊपर आया था ये हमारा क्या था हायर लो पॉइंट वाई अगर मैं आपको कैंडल पे कैंडल दोबारा दो दिखाता हूँ ये हमारा हायर हाई हायर लो हायर हाई वाई बिकॉज इस हाई से ऊपर बना इसलिए हमारा आगे हाई मैं एक थोड़ा सा जूम इन करता हूं आपके लिए आपको होगा समझने में वो चीज सी ये बना हमारा अब नेक्स्ट हायर हाई इस हायर हाई के बाद में प्राइस हमारा नीचे आया हायर लो बनाया इसके बाद प्राइस ने हमें ये हायर हाई दिया जस्ट बिकॉज इस वाले हाई से ऊपर बना इसलिए हायर हाई अब इस हायर हाई के बाद में और इस हायर लो के बीच में प्राइस आके नया एक और हायर लो देख के यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था एक और हायर हाई देना चाहिए था बट प्राइज़ ने ऐसा नहीं करा उसने नीचे इसे ब्रेक करा और यहाँ पे हमें मिल गया कॉस्ट जैसे इसने नीचे से ब्रेक करा सो लेट मी मार्केट अगेन यहाँ पे हमें मिल गया इसका कॉच जैसे हमें कॉच मिला अब हम मार्क कर लेंगे अपना एम स्मॉलर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन सिमिलरली जैसे हमने एच फोर का माक करता ये वाला सप्लाई जोन है जहां से हमारे बी के ऑर्डर आने स्टार्ट हुए हैं हमने मार्क कर लिया अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट हमारा हाई टाइम फ्रेम क्या रहा था सप्लाई जोन पे आके मार्केट डाउन आएगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमने कॉच मार्क करा हमें रिवर्सल मिल गया हमारा प्राइस यहाँ से डाउन आएगा अब हमारा काम बसता है एंट्री टाइम फ्रेम पे जाना यानी उसी जोन के अंदर जब प्राइस हमारा आएगा जब हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है उस जोन के अंदर अब आप देखो इस वाले जोन में यहाँ पे ये वाला हमारा था जोन ये जोन हमारा बना इस जोन के अंदर प्राइस जब आया हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है अच्छे से हम यहाँ पर अगर इसके सप्लाई जोन की एंट्री अगर यहाँ पर लगाते हैं लेट लेटिंग मार्केट दि सेलिंग ऑर्डर्स हेयर यहाँ पर हम लगाएंगे इसके सेलिंग ऑर्डर्स सेलिंग जोन और यहाँ पर

वन इज टू थ्री का लगा रखा है सपोज करो और मार्केट अगर वन इज टू टू पॉइंट एट से ही रिवर्स कर जाए कई बार ऐसा होता है आप इस बात को समझोगे अगर सपोज करो हमारी बाइंग की ट्रेड है मार्केट यहाँ से चल के यहाँ जाना है यहाँ पे आपका रिवॉर्ड है मान लो थ्री का और आपने यहाँ पे थ्री पे लगा रखा रिवॉर्ड बट क्या हो अगर मार्केट यहीं से ही रिवर्स कर जाए तो आपका तो सारा टीपी गया ना जितना भी आप यहाँ प्रॉफिट ले सकते थे बुकिंग कर सकते थे सब गया इसलिए हमेशा ट्राई टू सेट टेक्निकल स्टेक प्रॉफिट हमेशा टेक्निकल टेक प्रॉफिट सेट करो जो आपको चार्ट में दिख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन सप्लाई जो डिमांड जोन पे अगर वो वन इश थ्री की जगह पे वन इश टू पॉइंट एट टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट सेवन आ रहा है दट इज वाइन सिमिलरली पिप्स के बेस पे तो कभी करो ही मत उसके बेस पे कभी आपको प्रॉफिट नहीं होने का अगर आप टारगेट कर रहे हो हंड्रेड पिप्स का और आपको रिवर्सल दिख रहा है एट्टी नाइनटी पिप्स पे तो एग्जिट कर जाओ वहाँ पे अदरवाइज यू विल बी इन बिग लॉस वहाँ पे सो दिस इज हाउ यू विल मार्क द एंट्री एंड एग्जिट के लिए अब जैसे मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ये हमारा क्या है लिक्विडिटी पॉइंट है ये हमारा क्या है डिमांड जोन है तो कहीं ना कहीं इस वाले जोन से आके प्राइस रिएक्शन करेगा और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस एक्सपेक्टेड हैं तो हम अपने टी मार्क करेंगे इस वाले जोन पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ऊपर मार्क करना है हमें नीचे मार्क नहीं करना है यहाँ पर भी काफी लोगों को कन्फ्यूजिंग होती है कि सर ऊपर मार्क करना है या फिर नीचे हमेशा ऊपर क्योंकि हमें नहीं पता कि इस ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद प्राइस ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा या फिर बिल्कुल नीचे बॉटम्स उतर जाएगा कैसे भी हो जा सकता है इसलिए ट्राई टू अवॉइड एंड प्ले सेफ आप अगर सेफ खेलोगे तो बेटर रहेगा उस या फिर उसके साथ साथ आप इसमें ब्रेक इवन भी करते हुए चल सकते हो आप यहाँ पे अपने टीपी मार्क करो यहाँ पे एंटर आपने एंट्री लगाई आपने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया नीचे टीपी लगाया एंड इस, इस स्मॉलेस्ट ट्रेड में आपको वन इंस टू सेवन का आपका रिवॉर्ड मिला मतलब अगर आप एक परसेंट का रिस्क ले रहे हो तो आपको इस एक सिंगल ट्रेड में सेवन परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है मतलब अगर आपने दस डॉलर बैट करे हैं सत्तर डॉलर का आपको प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपको प्रॉफर्म पास करनी है फेस वन के लिए एक परसेंट का टारगेट आपका बचता है आपने सेवन परसेंट गेन कर लिया अगर आपने वन इंस टू एट सेवन के ट्रेड लिए आपने एक परसेंट रिस्क लिया जस्ट आठ परसेंट का टारगेट होता है एक परसेंट बचा और अगर आपका फेस टू है तो फेस टू तो आपका पास हो गया सिर्फ एक ट्रेड में इसलिए हमेशा हाँ ट्रेडिंग में क्वालिटी मैटर्स क्वांटिटी नहीं कभी भी ऐसा मत सोचना कि मुझे क्वालिटी मुझे क्वांटिटी ट्रेड करनी है मुझे तीन चार ट्रेड करनी है तब जाके मैं चैलेंज पास करूंगा नहीं आई हैव सीन पीपल जिन्होंने एक सिंगल ट्रेड में सिंगल ट्रेड में फेज वन पास करा है सिंगल ट्रेड में फेज टू पास करा है एंड देट इज वाई कुछ प्रोफॉर्म से कंडीशन लगाती हैं एटलीस्ट आपके तीन ट्रेडिंग डेज होने चाहिए दो मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए बिकॉज बहुत सारे ऐसे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो एक सौ दो ट्रेड में चैलेंज पास कर देते हैं इजिली दिस इज वाई प्रोफॉर्म मेक्स दिय कंडीशन आई होप सो आपको समझ आया होगा लेट मी रिमाइंड यू अगेन मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ एंड स्टिल गाइज अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया डोंट वरी आप प्ले लिस्ट एक्सप्लोर करो प्ले लिस्ट में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ब्रेकडाउन है वहाँ से आपको ईजिली समझ आएगा एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट हमारी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले एंड अभी रिसेंटली मैंने फॉरेक्स टैक्सेस के ऊपर वीडियो डाली थी कि टैक्स आप कैसे भरने हैं कितना टैक्स भरना है प्रॉफिट पे करते हो तो कैसे टैक्स लगेगा ब्रोकर पे करते हो तो टैक्स कैसे टैक्स लगेगा मेक श्योर sure, अगर आपने ना देखी हो देख लीजिए उसमें सारे डाउट आपके कवर हो जाएंगे वापस आते हैं टॉपिक पे एच फोर पे देखेंगे हम हमें क्या मिल रहा है बुलिश मार्केट है, हमारा अच्छे से पता है हम दूर से देखते हुए आ रहे हैं हमारा क्या है बुलिश हमारा मार्केट आ रहा है यहाँ पे बट हमारा यहाँ पे मिल गया कॉच क्या आ रहा था अगर मैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लो मैंने जस्ट स्विंग अभी मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा अब स्विंग पॉइंट अगर मैं दिखा दूँ ये हमारा हायर हाई high था ये हमारा हायर लो था ये हमारा हायर हाई high था अब इस हायर हाई high के बाद में प्राइस को यहाँ से आकर दोबारा ऊपर जाना चाहिए था बट वो ऊपर नहीं गया वो जस्ट इस वाले लो को ब्रेक करके ऊपर आया अब यहाँ पर हमें दिख गया एच में कि हमारा प्राइस ने कॉच दे दिया अब हम सेलिंग सेलिंगड देखेंगे हमने अपना एच का सप्लाई जोन मार्क कर लिया फिर हम गए अपने एच के बाद फिफ्टीन मिनट्स में 15 मिनट्स में उस सप्लाई जोन पे हमने देखा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या एक और वहाँ पे कॉच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो वहां पे हम मार्क करेंगे अपना कॉच एक और हमने यहाँ पे अपना कॉच मार्क करा फिफ्टीन मिनट्स में अपना सप्लाई जोन मार्क करा फिर हम गए फाइव मिनट्स में फाइव मिनट्स में हमने वहाँ पे एंट्री ली और उस एंट्री के बाद में हमने टीपी लगाया अपोजिट डायरेक्शन की सप्लाई जोन पे जस्ट टू गेट दी हाई रिवॉर्ड ट्रेड कभी भी आपको अपने मन घड़क टी नहीं लगाने हमेशा ट्राई टू तो सेट टेक्निकल टेक प्रॉफिट ओनली एंड इन सिंगल ट्रेड हमने यहाँ पे वन इज टू सेवन का रिवॉर्ड गेन कराया एंड अभी इसके आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ पे कैसे मूव करता है अभी वो भी हम देखते हैं हमने एंट्री लेना तो सीख लिया एग्जिट करना भी सीख लिया कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है कितने रिवॉर्ड पे हमें टॉप पे एग्जिट करना है बॉटम पे नहीं करना करना है तो साथ साथ ब्रेक इवन करते हुए चलना है अब हम अगर वापस आते हैं एच फोर में तो एक बार दोबारा देखते हैं मार्केट को कि इसके बाद क्या करा मार्केट ने आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्केट ने इसके बाद क्या करा यहाँ पे आती सबसे बड़ी मिस्ट्री जहाँ पे आप लोगों को शायद डाउट होगा या होंगी यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने हाइएस्ट पॉइंट बनाया इस हाइएस्ट पॉइंट को हमारे कहाँ से आए इस वाले लोवेस्ट मतलब से आए लोवेस्ट मतलब हायर लो से आए अब मार्केट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है जब तक किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक नहीं करता अब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया नीचे आ गया मतलब हमारा बुलिश वाला कन्वर्ट हो गया हमारा बियरिश में बुलिश वाला हमारा कन्वर्ट हो गया बेरिश में अब हमारा मार्केट कैसे रहना चाहिए था ये हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया हमारा लोवेस्ट पॉइंट अब इसके बीच में जो भी होगा वो सब होगा हमारा इंटरनली अब मार्केट को अगर अपना डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यू रखना है तो इस वाले लोवेस्ट रोक को ब्रेक करके एक और नीचे लो बनाना चाहिए था बट प्राइज ने ऐसा नहीं करा प्राइज गिव्स न्यू हाई अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर इस वाले हाई के ऊपर एक और अच्छी खासी उसने क्लोजिंग दी है बुलिश कैंडल पेन वहाँ पे उसका मतलब होता है कि प्राइस ने दोबारा अपने ट्रेंड चेंज कर लिए दोबारा प्राइस ने करेक्टर अपने चेंज कर लिए अब प्राइस दोबारा यहाँ पे बियरिश के मोड में नहीं है दोबारा प्राइस यहाँ पे बुलिश के मोड में है तो यहाँ पे हम करेंगे कॉच अपसाइड जिसका सिंपल मतलब होता है कि प्राइस ने यहाँ पे हमें एक ट्रेड दी सेलिंग की यहाँ पे प्राइस हमारा अप ट्रेंड आ रहा था अप ट्रेंड से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ डाउन ट्रेंड में हमें लगा था डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होएगा बट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ प्राइस ने इस वाले हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करा सी इस वाला हाईएस्ट पॉइंट इस वाले हाईएस्ट पॉइंट इनके बीच में है अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में हमारा रिवर्स हो जाएगा और अगर इसके बाद नीचे आता है तो हमारा डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यू रहेगा नीचे तो आया नहीं उसने ऊपर उसे ब्रेक कराया डैट मीन्स प्राइस हमारा अब ट्रेंड में चला गया अब डाउन ट्रेंड से यहाँ पे हमने कॉच मार्क करा अब हम अपनी एंट्री देखेंगे दोबारा इस वाले डिमांड जोन से अगर प्राइस हमारा आएगा तो हम यहाँ से बाइंग की एंट्री देखेंगे एंड ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप है लिक्विडिटी ग्रैप है और यहाँ पे हमारा बी यू एस है इंटरनल बी यू है वो एक्सटर्नल नहीं है इंटरनल बी यू है सो नाउ ऑनवर्ड्स आई एक्सपेक्ट प्राइस कि यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन देके एंट्री देगा और उसके बाद एक और ऊपर नई लग बनाएगा बट अगेन अभी दिसंबर मंथ चल रहा है मंथ एंड क्रिसमस न्यू ईयर फेस्टिवल तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके अपोजिट भी जा सकता है आई होप सो आपको ब्रेक डाउन समझ आया होगा नहीं आया लेट मी नो कुछ भी डाउट है आप नीचे मुझे बता सकते हो एंड अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इंडिकेटर कुछ भी यूज कर रहे हो मत करो प्लीज उन उनपे कभी प्रॉफिट नहीं होने का ट्राई टू स्विच ऑन एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स एडवांस पे मैं खाली एस की बात नहीं कर रहा मैं एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे जब तक आप प्रॉफिट्स मार्केट में नहीं कर सकते हो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है अगर कुछ इसमें सीखा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों नहीं आई है मुझे बताइए क्या समझ नहीं आया क्या डाउट है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू नहीं समझ आए इंस्टाग्राम पर जाके रील्स देखो पोस्ट देखो वहां पर जो समझ नहीं आता वो पोस्ट भेज के डीएम करो जो भी आपके डाउट है वी विल ट्राई टू हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल वे बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे नीचे कॉमेंट करके बता दो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्ले लिस्ट एक्सप्लोर करना मत भूलना एंड उसी के साथ साथ हमने एक प्लेलिस्ट और बना रखी है फॉरक्स प्रॉफर्म की उसमें सारे प्रॉफर्म का हमने डि 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 डिटेल रिव्यू करा इंक्लूडिंग टी एफ टी फंडिंग पिप्स फंडिंग नेक्स्ट और गॉड फंडिंग ट्रेडर और जितने भी प्रॉफर्म है मार्केट में सबका डिटेल रिव्यू है जाके वो चेकआउट करो वहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है मिलेंगे अगली वीडियो में तब प्रॉफिट करते रहिए सीखते रहिए एंड 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 अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा मेक श्योर sure टेलीग्राम ज्वाइन कर ले वहाँ पर आपको डेली मिलेंगे गोल्ड एंड फॉर सिग्नल्स एंड मूविंग फॉरवर्ड क्रिप्टो की भी सारी अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं टिल देन बाय बाय टेक केयर इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा